दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का सबसे खतरनाक और एक एक्सक्लूसिव मिलिट्री वेपन पावर है, जो दुनिया के कुछ चंद देशों के पास ही है। अपने देश से हजारों मील दूर महासागरों के बीच समंदर की लहरों से टकराता हुआ ये खूंखार जंगी जहाज मानो जैसे एक पूरा का पूरा चलता फिरता शहर हो। पर क्या आप जानते हैं कि ये विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर्स काम कैसे करते हैं और इसके आगे पीछे हमेशा जहाजों का ये बेड़ा क्यों रहता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम मिलकर जानेंगे कि हाउ एयरक्राफ्ट कैरियर्स वर्क। फैक्टिफाई, फैक्ट्स ऑन योर फेस। एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है? दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर को आसान भाषा में समझे तो ये किसी भी देश की नेवी के काम आने वाला एक काफी बड़े साइज का वॉरशिप होता है, जिसका इस्तेमाल जंग के दौरान किया जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये जहाज कई फाइटर प्लेन्स को लेकर पानी में तैरता है और अपनी टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटीज के बूते ये किसी तैरते एयरपोर्ट जैसा है, जो अपने देश के लिए उसकी अपनी जमीनी बॉर्डर से सैकड़ों मील दूर भी एक मिलिट्री बेस प्रोवाइड करता है। बोले तो आप इसे खतरनाक मिसाइल्स, एडवांस्ड फाइटर जेट्स, कैनन गन्स और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस एक जंगी जहाज कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अकेला नहीं चलता। एक एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब सिर्फ एक वॉरशिप नहीं होता, बल्कि ये एक पूरी की पूरी फ्लीट होती है, कई अलग अलग तरह के जहाजों की, जिसमें कैरियर के अलावा सप्लाई और लॉजिस्टिक्स शिप, एयर डिफेंस के लिए गाइडेड मिसाइल क्रूजर्स, सबमरीन और लैंड अटैक से डिफेंस के लिए मल्टीपर्पज वॉरशिप्स और दूसरे जहाजों से प्रोटेक्शन के लिए डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स का बेड़ा भी शामिल होता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर हजारों सैनिक काम करते हैं, जो कभी कभी तो महीनों इन्हीं पर रहते हैं। इसीलिए इन पर हजारों लोगों के खाने पीने और रहने से लेकर स्पोर्ट्स, मेडिकल और जिम जैसी सभी जरूरी फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। हिस्ट्री ऑफ एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इतिहास। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाने की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में ही हो गई थी, और पहलो पहल इन कैरियर्स का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट्स को नहीं बल्कि हॉट एयर बलून्स को कैरी करने के लिए किया जाता था, जिनका इस्तेमाल किसी खास इलाके की ऑब्जर्वेशन के लिए होता था। फिर 1903 में पहले हवाई जहाज के उड़ान भरने के सिर्फ 7 साल बाद सन 1910 में ही वो मौका भी आ गया, जब एक हवाई जहाज ने पानी के बीच खड़े शिप से उड़ान भरी। ये US नेवी का एक क्रूजर शिप था, लेकिन पहला फुल फ्लेज्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जापान का होशो था, जो जापानी नेवी को 1922 में कमीशन किया गया था। दोस्तों, पहले के एयरक्राफ्ट कैरियर्स सिर्फ मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स और छोटे एयरक्राफ्ट के लिए रनवे का काम करते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ ये और भी एडवांस्ड और भी बड़े होते गए। आज के एयरक्राफ्ट कैरियर्स समंदर के बीच मिलिट्री के 50 से 60 फाइटर जेट्स को भी टेक ऑफ और लैंड कराने की क्षमता रखते हैं। दरअसल, इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन लॉ के मुताबिक किसी भी देश की नेवी या फिर कमर्शियल शिप्स दूसरे देश के किनारे से 22 किलोमीटर दूर से फ्रीली ट्रेवल कर सकती हैं, और इसी का फायदा उठाने के लिए पहले से बड़े और ज्यादा खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए गए। अब इस कानून के सहारे किसी भी देश की मिलिट्री अपने दुश्मन के 22 किलोमीटर दूर लीगली डेरा लगाकर बैठ सकती है, और वो भी जितना अभी बताया उतने लाव लश्कर के साथ। ऐसे में जिस भी देश के पास ये खतरनाक कैरियर्स होते हैं, उसका पलड़ा भारी हो ही जाता है। ये काम कैसे करते हैं? और क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स किसी भी देश का सबसे खतरनाक और कीमती हथियार होते हैं, इसीलिए कभी भी अकेले नहीं चलते। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये कई अलग अलग जहाजों के एक पूरे बेड़े के साथ चलते हैं, और इन शिप्स में सप्लाई शिप को छोड़कर सभी जहाज डिफेंस और अटैक दोनों में माहिर होते हैं। इनकी इस पूरी फ्लीट को कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं। वहीं दोस्तों, मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर 100 एयरक्राफ्ट तक भी पार्क करने की जगह होती है, लेकिन चूंकि इस कैरियर का फ्लाई डेक एरिया लिमिटेड होता है, इसीलिए एयरक्राफ्ट्स को कैरियर के हैंगर डेक यानी कि कैरियर के बेसमेंट में पार्क किया जाता है। यहीं पर प्लेन्स की रिपेयरिंग और रिफ्यूलिंग का काम भी होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर का फर्स्ट फ्लोर, जिसे शिप का आइलैंड भी कहा जाता है, ये एरिया सेलर्स के रहने, खाने, फूड स्टोरेज और ऑफिशियल वर्क एरिया के तौर पर रिजर्व होता है। वहीं इसका लोएस्ट एरिया मशीनरी एरिया होता है, जहां कैरियर्स के पावर इंजन लगे होते हैं।
समंदर की लहरों के बीच कैरियर के रनवे पर एयरक्राफ्ट को एक सेफ टेक ऑफ देने के लिए ऑनबोर्ड मैकेनिकल सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, टेक ऑफ से भी ज्यादा खतरनाक होता है कैरियर के छोटे से रनवे पर प्लेन्स को लैंड कराना। लैंडिंग से पहले पायलट्स प्लेन से एक स्टील वायर को शिप पर भेजते हैं, जिसे अरेस्टिंग वायर कहा जाता है। इस अरेस्टिंग वायर को शिप के हाइड्रोलिक सिस्टम से अटैच किया जाता है, जिससे प्लेन की स्पीड स्लो हो जाती है और वो स्मूथ लैंडिंग कर पाता है। यूएस, फ्रांस जैसे देशों के कैरियर्स में कैटापुल्ट सिस्टम भी मौजूद है, जिनकी मदद से शॉर्ट फ्लाइट डेक्स पर भी बड़े एयरक्राफ्ट्स आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। लेकिन भारत और चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस वजह से भारत और चाइना के कैरियर्स बड़े विमानों को लैंड कराने में सक्षम नहीं है। ये विशालकाय जंगी जहाज काम कैसे करता है, ये तो अब आप समझ गए। लेकिन इस जंगी जहाज को मैनेज करना भी कोई बच्चों का खेल नहीं। छोटी सी लापरवाही और अरबों का नुकसान। इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक सभी की ड्यूटी फिक्स्ड होती है और हर डिपार्टमेंट का अपना यूनिक ड्रेस कोड और कलर कोड होता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए रनवे, मिसाइल लॉन्चर और दूसरे देशों की गतिविधियों पर निगरानी रखने का काम कर सकता है, और इसीलिए हर देश चाहता है कि उसके पास कम से कम एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो जरूर हो। लेकिन चूंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स बहुत महंगे होते हैं और इनके रखरखाव में भी अरबों रुपए का खर्च आता है, इसीलिए बहुत सारे देश चाहकर भी इन्हें खरीदने का जोखिम नहीं लेते। यही वजह है कि इस समय दुनिया में सिर्फ 22 एयरक्राफ्ट कैरियर्स सर्विस में हैं, जिसमें से अकेले अमेरिका के पास ही 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। वहीं इटली, यूके और चाइना के पास दो दो और भारत, थाईलैंड, स्पेन, रूस और फ्रांस के पास एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन्ड है। अमेरिका के सभी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फ्रांस का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलते हैं, जिस वजह से ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स 25 सालों तक बिना रिफ्यूलिंग के समंदर का सफर करते रह सकते हैं। भारत का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य भी बिना रिफ्यूलिंग के हमारे देश की पूरी कोस्ट लाइन का चक्कर लगा सकता है, और वो भी दो बार। ये सभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स कई सालों तक बिना रिफ्यूलिंग के सफर तो कर सकते हैं, लेकिन खाना, सप्लाईज और एविएशन फ्यूल की जरूरत के चलते इन्हें हर 2 से 3 हफ्तों में किसी पास के पोर्ट या फिर बंदरगाह को विजिट करना ही पड़ता है, ताकि जरूरी स्टॉक्स की रिफिलिंग करी जा सके। और एक बंदरगाह पर एयरक्राफ्ट कैरियर खुद नहीं जाता, क्योंकि वो आकार में बहुत बड़ा होता है और उसे कोस्ट के पास ले जाना बेहद रिस्की होता है। इसीलिए पहले पोर्ट पर सप्लाई शिप में खाना, दवाइयां, गोला बारूद और ईंधन लोड किया जाता है। लेकिन दोस्तों, असली टास्क तो होता है उफान मारती लहरों के बीच सामान को सप्लाई शिप से एयरक्राफ्ट कैरियर पर लोड करना। एयरक्राफ्ट कैरियर पर फ्यूल पहुंचाने के लिए सप्लाई शिप से एक जिपलाइन कैरियर पर साधी जाती है, जिसकी मदद से पाइप को रिजर्व टैंक तक पहुंचाया जाता है। बाकी सामान को लोड करने के लिए भी इन्हीं जिपलाइंस का इस्तेमाल होता है। साथ ही दोस्तों, हमारे घर और ऑफिसेज की ही तरह एयरक्राफ्ट कैरियर्स के भी अपने मेलिंग एड्रेस होते हैं, जिन पर यहाँ रहने वाले सैनिकों के परिवारजन चिट्ठियां और गिफ्ट्स भेजते हैं। यही नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर रहने वाले कर्मचारी यानी कि सेलर्स आम लोगों की ही तरह ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, जिनकी डिलीवरी उस फ्लीट के अगले बंदरगाह पर पहुंचने पर होती है। सामान को पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के बेस एड्रेस पर भेजा जाता है, जिसके बाद ये पार्सल्स पोर्ट एड्रेस और फिर सप्लाई शिप के जरिए फाइनली एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुँचते हैं। और दोस्तों, हैरानी की बात है कि इस पूरे प्रोसेस में 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का वक्त ही लगता है। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य। दोस्तों, शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर्स की इस रेस में भारत भी पीछे नहीं है। भारत का INS विक्रमादित्य एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते दुनिया के 10 सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर्स में शामिल है। इसे हमने रूस से $1.6 बिलियन में खरीदा था। इसका रूसी नाम एडमिरल गोर्शकॉव था और इसे रशियन नेवी ने 1995 में डीकमीशन कर दिया था। लेकिन ये जानकर आप दोस्तों ये मत समझिएगा कि ये पुराना है, क्योंकि इसमें प्रोपल्शन सिस्टम से लेकर हल सेक्शन और फ्लाइट डेक के रीडिजाइन से लेकर शिप की सारी सेंसर टेक्नोलॉजी को फिर से डिजाइन और डिप्लॉय किया गया था। हैवी टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस करने के बाद ही सन 2013 नवंबर में इसे इंडियन नेवी को कमीशन कर दिया गया। दोस्तों, हमारे इस एयरक्राफ्ट कैरियर में एक वक्त में ही
MiG-29 चेतक और ध्रुव जैसे 36 एयरक्राफ्ट खड़े हो सकते हैं। दुनिया के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ही तरह ये भी एंटी शिप मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, गाइडेड बॉम्ब्स और रॉकेट से लैस है। ये कैरियर इंडियन नेवी में 1971 इंडो पाक वॉर के हीरो रहे और भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की जगह लाया गया था। बात करें कुछ स्टैट्स की तो INS विक्रमादित्य 59 किलोमीटर पर आर की मैक्सिमम स्पीड के साथ 25,000 किलोमीटर की रेंज देता है। वहीं इस एयरक्राफ्ट कैरियर की इंड्योरेंस पावर 45 दिन की है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का अगर कभी कम्युनिकेशन इंडिया से टूट भी जाता है तो भी 45 दिनों तक ये अपना गुजारा आराम से कर सकता है। और दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमारे देश के 1,000 से भी ज्यादा नेवी ऑफिसर्स हर वक्त तैनात रहते हैं, जो एक साल से भी लंबे वक्त तक बिना थके बिना रुके दिन रात इस कैरियर पर ड्यूटी देते हैं। लेकिन दोस्तों, जल्द ही भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करने में विक्रमादित्य का साथ देने आने वाला है INS विक्रांत, इंडिया का खुद का अपना पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसके फिलहाल सी ट्रायल्स चल रहे हैं और उम्मीद है कि 2022 में उसे भी नेवी को कमीशन कर दिया जाएगा। खैर दोस्तों, बात करें इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर ड्यूटी देने वाले जवानों की, तो साल के 365 दिन घर से दूर, देश की मिट्टी से दूर, समंदर की उफान खाती लहरों के बीच इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर रहना इन जवानों के लिए आसान नहीं होता। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसी होती है एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर इन बहादुर जवानों की जिंदगी, तो इस वीडियो को दे अपना भरपूर प्यार, ताकि आपको मैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर रहने वाले जवानों की जिंदगी का वो स्ट्रगल भी बता सकूं, जो आपको ना तो किसी किताब में पढ़ने को मिलेगा और ना ही आपने कभी किसी फिल्म में देखा होगा। और हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर्स कैसे काम करते हैं, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जल्द लेकर आऊंगा ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो। तब तक खुश रहिए, अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।